अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़रीन के साथ जुड़ जाएं और बेल पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइमली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूअर्स, आज की जो सी रेसिपी वो हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और आज की रेसिपी में जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो है पोटैटो नगेट्स। और बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार से ये जो रेसिपी तैयार होने वाली है हमारी, इसके लिए पहले हमें चाहिए आलू। आलू यहाँ पर मैंने बॉईल कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं ये बॉईल किए हुए आलू हैं, इनको हमने पील आउट कर देना है। पील आउट करने के बाद फर्दर रेसिपी किस तरह हम लोग तैयार करेंगे और मज़ेदार से नगेट्स बच्चों को बहुत पसंद है वो हम कैसे शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये तो व्यूअर्स, आलू जो से हम लोगों ने वो छील लिए हैं, पील आउट कर लिए हैं, तो अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने लिया यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, धनिया और हरी मिर्च, अनारदाना और सूखा धनिया। ठीक है, अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। तो स्पाइसेस मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। ये हम लोगों ने लिया है ज़ीरा, ये भी 1 टेबल स्पून है, और दादरी मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून है, नमक हसबी जरूरत, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर लाल मिर्च, ये 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं, इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। और उसके बाद जो से हमारे पोटैटो नगेट्स हैं उनको हम आपके सामने ही तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार से आज की रेसिपी बनने वाली, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है। ये तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लिया है। और इसके लिए कि जब भी आपने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है तो आपके हाथ जो से वो साफ़ होने चाहिए, अदरवाइज अगर आपके हाथ नहीं साफ़ या आपने नाखून बड़े रखे हुए तो आप ग्लव्स का यूज़ करें। ऐसे आप मतलब गंदे हाथों से अगर आपने अंगूठियाँ वगैरह पहनी हुई हैं तो हरगिज़ भी इसको मिक्सचर को मिक्स ना करें। तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था ताकि जो इसके मसाले वगैरह अच्छे से अंदर उसके फ्लेवर डिवेलप कर दें और उसके बाद अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अब यहाँ पे जो मिक्सचर था मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि जो से इसके अंदर टेस्ट अच्छा सा डेवलप हो जाए। तो अब यहाँ पर जो से मैं नगेट्स तैयार कर रही हूँ, बाकी मैंने नगेट्स तैयार कर लिए, एक मैं आप लोगों के सामने तैयार कर लेती हूँ। हाथों को हल्का सा जो सा ऑयल से जो सा आप लोग ग्रीस कर सकते हैं और उसके बाद ये देखिए जी माशाल्लाह ये बन गया है हमारा नगेट्स। और बाकी भी हम लोगों ने ये सारे आप लोग देख सकते हैं ये रख लिए तैयार करके। तो अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर लिए मैंने ब्रेड क्रम्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इसकी जो सी है कोटिंग करनी है एग के साथ। ठीक है, तो एक मैं जो सा इसके अंदर डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग करके इसको मैं इसके अंदर अच्छे से, और घी मैंने वहाँ पे जो सा है गर्म होने के लिए रख दिया, हर तरफ से अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। मैं हाथ से ही कर लेती हूँ इसे इतना से ताकि हो जाए। वो ज़्यादा नहीं करना, जो सा फिर होगा एक्स्ट्रा उसको आप साफ़ कर दें ताकि जो सा आपका ऑयल वो गंदा ना हो। ये देखिए, अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने इनको फ्राई करी, इसी तरह बाकी भी सारे जो मसले हैं मैं तो तैयार करके इसके अंदर फ्राई कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखिए बस बाकी भी जो मसले सबके सब मैंने डाल दी हैं इसके अंदर। ठीक है, और अब मैंने इसकी कुछ की जो साइड है वो चेंज भी कर ली है, तो बाकी मैं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए अंडे के साथ हमने कोटिंग की है और फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर लगाया ब्रेड क्रम्ब, बहुत ही माशाल्लाह। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, देखिए माशाल्लाह। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बनाना है, ये भी ना हो के जल जाए। अब जब तक ये गोल्डन कलर नहीं होता इसका तब तक आप लोगों ने इसको अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसको डिश आउट करना है। ये तो व्यूअर्स, हम लोगों को फ्राई कर लिया है और ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो से पोटैटो नगेट्स वो हो गए हैं तैयार। तो उम्मीद करता है कि आपको जो सो आज की रेसिपी पसंद आएगी। ये देखें वैसे क्रिस्पी क्रिस्पी से जो से नगेट्स है वो तैयार हो गए हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये अच्छी हुई लगेगी, अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे से कोई भी नाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।